प्रसादन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। अंग्रेजों का राज खत्म हुए कुल 76 साल गुजरने को आए, लेकिन हमारे अधिकारियों के दिमाग से ब्रिटिश सोच अभी तक गुजर ही नहीं रही। जैसे ब्रिटिशों के शासन में फरियादियों को परेशान किया जाता था, उन्हें फरियाद लगाने पर सजा दी जाती थी, कुछ वैसा ही मंजर उत्तर प्रदेश के बरेली से देखने को मिल रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के मीरगंज क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मीरगंज क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस में एक व्यक्ति मुर्गा बना हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम पर एक्शन लिया गया। इस वीडियो में इसके साथ ही कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर मामला क्या है, इसका जवाब हम आपको बताएंगे। जानकारी के अनुसार ये मामला मीरगंज क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस का है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति मुर्गा बना हुआ है, वहीं एसडीएम की कुर्सी के ऊपर उप जिलाधिकारी लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ के एसडीएम उदित पवार है। जानकारी के अनुसार गांव के कुछ लोग शमशान के लिए जमीन की मांग को लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन एसडीएम साहब ने एक व्यक्ति को मुर्गा बना दिया और मांग के ज्ञापन को फेंक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव वालों का कहना है कि उनके गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा शमशान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर वो एसडीएम के पास गए थे। ग्रामीणों ने पैमाइश कराकर शमशान की भूमि अलग करने की मांग की। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि दूसरे समुदाय के लोग अपने त्योहार पर मंदिर के पास खाली जमीन से ढोल बजाते हुए निकलते हैं, जिसकी वजह से समस्या होती है। गांव वालों ने आगे कहा, फरमाइश की मांग करने पर एसडीएम साहब भड़क गए। उन्होंने एक व्यक्ति को मुर्गा बना दिया और अन्य लोगों के साथ ठीक से पेश नहीं आए। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एसडीएम मोबाइल पर कुछ कर रहे हैं और सामने एक युवक मुर्गा बना हुआ है। वीडियो के वायरल होते ही बरेली से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। वीडियो के वायरल होने पर जिले के डीएम शिवकांत द्विवेदी ने एसडीएम उदित पवार को सस्पेंड कर दिया।